बिना बता दे क्या यही प्यार है, प्यार है, प्यार है। लाश मिली है सर, ये देखिए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। इसे भी मार दिया, ये सबके चेहरे बेनकाब करने वाला था। सर, इसकी अंदर की पॉकेट से एक इंपॉर्टेंट मैसेज मिला आपके लिए। हेलो सर, नंदू जहनुम में पहुंच गया है, उसकी लाश भी पुलिस को मिल गई होगी। और जिस वीडियो टेप से वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, अब वो मेरे पास है। हाँ सर, अभी लाता हूँ। कम ऑन डार्लिंग। जिमी कहाँ है? यस, हु आर यू? इसका लाइसेंस है तुम्हारे पास? तुम पुलिस? समझदार मालूम होते हो। जिमी के पास चले। यस सर। हाँ हाँ डाले, तुम दोनों के साथ शादी बनाऊंगा। दो दो शादियां, दो दो हनीमून। चलो तुम लोग, चलो चलो जाओ। इस कैसीनो का लाइसेंस तो तुम्हारे नाम पर है, लेकिन तुम शक्ल से इसके असली मालिक नहीं लगते। बताओ कौन है वो जो तुम्हारे जरिए यहाँ गलत धंधे चलाता है? धंधे नहीं साहब, यहाँ तो सिर्फ जुआ चलता है। देखो अभी देखो, नंदू तुम्हारे कैसीनो का नाम लेके मरा है। क्यों? अच्छा क्लब है ना सर, यहाँ नो लिमिट जुआ चलता है, आप भी खेल सकते हैं। खेलिए ना, आपके लिए सब फ्री है। तो चल पुलिस स्टेशन चल के खेलते हैं, वहां तेरे लिए सफरी होगा,
नो लिमिट, घूसे लात मुक्के, क्या छुपा रहे? टेप है सर। क्या है इस टेप में? नॉर्मल रिकॉर्डिंग है सर, क्लब की है। गिव इट मी, कम ऑन। बुढ़ापे का प्यार बहुत बुरा होता है डैडी। बुढ़ा होगा तू, तेरा बाप बेबी और आप हमारे बाप हैं। और ये तुम्हारी माँ है जिसके साथ मैं रोमांस कर रहा हूँ। सौतेली लेकिन है बहुत अच्छी। लेखराज डार्लिंग, देखो ना तुम्हारे बेटे मुझे कैसी कैसी नजरों से देखा करते हैं। हाँ भाभी, आप भी तो कपड़े ऐसे ऐसे पहनती हैं। डार्लिंग, अरे जल रहा है बेचारा हमसे, इसकी शादी नहीं हुई है ना, जल रहा है। दुनिया में कुछ लोग दो शादियां कर लेते हैं, कुछ लोग तो कुंवारे रह जाएंगे ना। कई बड़े आदमियों की दो बीवियां होती है, क्यों बेबी? भाई साहब, हमारे बाल एक, हमारे गाल एक, हमारी चाल एक, तो फिर मुझे क्यों नहीं मिली बीवी एक? मैं भी तो बड़ा आदमी हूँ। क्योंकि हमारी अकल एक जैसी नहीं है ना, और तू बड़ा आदमी नहीं है। आगे बढ़। ठीक है ठीक है, एक तो टेंशन से मेरे बाल उगे जा रहे हैं। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, जिमी ने कह दिया ना कि टेप हाथ लग गई है, फिर बैठ जा। पर वो टेप लेके आया क्यों नहीं? अरे क्या मेरे पिछवाड़े को आग लगाओगे? अरे चाचा ये तो सैंपल था, अच्छा हुआ पास वाली कुर्सी पर नहीं बैठे, नहीं तो मालूम क्या होता। क्या होता? ये होता। अरे कम वक्त तुम तो मुझे। अरे बैठो बैठो चाचा, इसमें और बम नहीं है। पर बात करके छोड़ोगे? डैडी ये जिमी हमेशा बुरी खबर लाता है, इसके नीचे बम लगा देते हैं, बड़ा बम। ना रहेगा जिमी ना आएगी बुरी खबर। अरे चुप करो, हमेशा चरस और गांजे के नशे में चूर रहते हो। जाओ जाके बम बनाओ, हथियार बनाओ, कंसाइनमेंट भेजना है। जाओ। डैड टेक इट इजी। सर सर एक बुरी खबर है। क्या हुआ? वो टेप विशाल के हाथ लग गया। हमारा कैसीनो बर्बाद हो गया, 20 आदमी मारे गए और बाकी सब पकड़े गए। अरे तुझे जिंदा नहीं छोडूंगा कमीने, साले काले छक्के काले छक्के। ये मेरी बात सुन सर, एक मिनट। हमारे असली चेहरे अब तक हमारे साथियों ने नहीं देखे और अब विशाल। सर मेरी बातें सुनिए, वो टेप मैंने आग में फेंक दी थी, शायद वो जल भी चुकी होगी। डैडी इसका मतलब हम लोग बच जाएंगे। That's it. Darling, please. Violence में romance mix करने की कोशिश मत कर। Go away. बेटा। मेरी बीवी को हाथ मत लगाओ। इसका मतलब विशाल वो टेप बनवाने जरूर जाएगा। विशाल ये कैसेट तो बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इसीलिए तो लाया हूँ तेरे पास, इसे तू ही ठीक कर सकता है। हाँ लेकिन कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए, पर वक्त लगेगा। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, मुझे यकीन है कि इस टेप में जरूर कोई राज छुपा है। सर, वेल डन विशाल, मुझे तुम पर फक्र है, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि यू आर द बेस्ट। अपनी 30 साल की सर्विस में मैंने तुम्हारे जैसा जांबाज ऑफिसर नहीं देखा। हमारी पुलिस फोर्स के लिए तुम एक मिसाल हो, सारी फोर्स एक तरफ और तुम एक तरफ।
जुर्म का जैसे तुमने शहर से सफाया ही कर दिया है। नहीं सर, एक गिरोह बाकी है जिसकी रीढ़ की हड्डी अभी तक नहीं टूटी, लेकिन जल्दी वो मेरी गिरफ्त में होंगे क्योंकि उस संजीर की पहली कड़ी मेरे हाथ लग चुकी है। गुड, आई विल कीप यू इन्फॉर्म सर। बाय। माँ चाय पिला। नहीं मिलेगी तो कॉफी पिला दे। फिर मजाक, ये क्या लगा रखा है, फिर से आज जान जोखिम में डाली तूने? अरे माँ, कमिश्नर साहब ने आजकल मुझे दफ्तर की नौकरी दे रखी है, क्लर्की करवाते वो भी टेबल कुर्सी पर। अच्छा तो फिर ये क्या है भैया? सीबीआई ऑफिसर विशाल रेड्स अ कैसीनो इन अ डेयरिंग स्टाइल। ब्लडी न्यूज़पेपर्स। क्यों विशाल क्यों? अब बहुत हो गया, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। माँ तुम तो जानती हो कि मैंने इंडियन पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन की। हाँ, तेरे पिताजी को कुछ गुंडों ने रुपयों के लिए अगवा किया था और उनकी जान भी ले ली थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तू अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता रहे। आखिर मारे गए ना वो गुंडे, इसलिए तो ये आग कभी बुझी नहीं। मुझे हर मुजरिम में पापा के कातिल नजर आते हैं। माँ मुझे करने दो जो मैं करता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। तेरे हाथों में और बातों में बड़ा कमाल है, मुजरिम हो के माँ दोनों को खूब बस में कर लेता है तू। ठीक है कर ले, लेकिन जिंदगी से खिलौने की तरह खेल मत। माँ मुझे कुछ नहीं होगा। माँ आप ख्याल करने वाली को ले आइए, फिर भैया हर काम संभल कर करेंगे। हाँ विशाल, अब तू शादी कर ले। माँ वो राजी होगी जिसे 5 बजे से घर पर इंतजार करवा रहे हैं? क्या मतलब? Oh my God. माँ कॉफी कैंसिल, मुझे 6 से 9 सपना के साथ पिक्चर जाना था। भैया भी बस कमाल है, दुनिया भर के लोगों को पीट कर आते हैं लेकिन आज खुद पिटेंगे। बेटी अब तक तो इंटरवल भी हो गया होगा। अच्छा तुम नारद मुनि की तरह आग मत लगाया करो। तुम भी क्या आ गया, आ गया। जब नहीं आए तो उनका इंतजार हो रहा था और जब आ गए तो दीदी बेडरूम में। आ गया, आ गया, आ गया। दरवाजा खोल रहा हूँ। हेलो अंकल। विशाल बेटे। हेलो आंटी। हाय। हेलो। आज फिर लेट बेटे। यू नो अंकल, मुजरिमों का पीछा करते करते देर हो गई, किसी दिन आप भी चलिए मेरे साथ, आपकी भी सैर हो जाएगी। कोई खतरा तो नहीं ना बेटे? जी नहीं, बस जीप चलानी पड़ती है 100-200 की स्पीड पे, कभी एक्सीडेंट हो जाए तो छोटी मोटी खरोच भी आ जाती है। छोटी मोटी खरोच तो नो प्रॉब्लम, मुजरिम कभी कभार गोलियां भी चला देते हैं, लग भी जाती है। छोटी मोटी खरोच ही आती होगी? नहीं, उसमें आदमी मर सकता है, लेकिन आदमी तो सड़क क्रॉस करते करते भी मर सकता है ना अंकल। इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता। सपना जब तोड़ फोड़ खत्म हो जाए तो नीचे आ जाना। सपना अभी भी गुस्से में है। वो क्या है, औरतों से डरना चाहिए लेकिन दिखाना नहीं चाहिए। देखा, कभी आजमा के देखना। हाँ हाँ, गुड टिप यार, वाई नॉट। धनवंती क्या है? पकौड़े बनाओ। खुद बना लो। गुड़िया, बचपन के नाम से मत पुकारो मुझे। तो तुम नाराज हो? मनाना आता है यार, इस मामले में मैं बहुत ढीला हूँ, तुम अपना मूड खुद ही ठीक कर लो ना। विशाल कम ऑन यार, आई लव यू। आई नो। विशाल मुझे डिस्को जाना है, कम ऑन। अरे बाबा, डिस्को बच्चों के लिए होता है, जवानों के लिए होता है, जिनके खून में गर्मी होती है, हॉट ब्लडेड यू नो। सपना मुझे नाचना नहीं आता। एक बार मेरे साथ नाचोगे ना चलना भूल जाओगे, कम ऑन। उसे डिस्को में नहीं जाना तो मेरे साथ चलो ना बेबी। थैंक यू मैं। विशाल छोड़ दे, छोड़ दे, क्या बोला? अभी नजर उठा के देखेगा। विशाल क्या हो गया था तुम्हें? विशाल तुम्हारी तरफ कोई नजर उठा के भी देखे तो मेरा खून खोल जाता है, क्योंकि गर्मी हमारे खून में भी है बेबी, हॉट ब्लडेड यू नो। मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो वो मुजरिम है, कम से कम तुम उसे यूं जोर से पकड़ तो लेते हो, मुझे क्यों नहीं पकड़ते? स्टॉप इट सपना, लेट्स गो। विशाल मेरी तारीफ करो ना, कोई शेर कहो ना। शेर? चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो,
जो भी हो तुम खुदा की कसम। लाजवाब हो? ऐसे नहीं, कुछ ओरिजिनल तो कहो ना। अरे यार, सारा दिन तो मुजरिमों के साथ रहता हूँ और किसी को शेरो शायरी तो आती नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं सिखा देती हूँ। मेरी आंखों में देखो। देखा। अब बताओ कितना करते हो? क्या प्यार विशाल? जितना तुम करती हो मुझसे प्यार, उसमें 10% और जोड़ लो यार। जो मुझे नहीं करना कुछ डांस वांस। क्या हुआ? बी रोमांटिक विशाल। ओके बाबा, गिव मी अ मिनट, मैं ऐसा शेर सोचता हूँ कि तुम बेहोश हो जाओगी। ओके। हेलो। हाँ, अरे उसे दो थप्पड़ मारो, सब बक देगा। राने, तुम्हारा डंडा ठंडा पड़ गया है। व्हाट रबिश राने, मैं अभी आता हूं। व्हाट, स्टार्ट डांसिंग, कम ऑन प्ले। विशाल, तुम तो कह रहे थे सात दिन हमेशा अर्जन काम। सपने इतनी जल्दी वापस आ गई? आई शुरू हो गई, प्यार में आतिशबाजियां शुरू हो गई। डार्लिंग, मुझे तो अपने दिन याद आ रहे। आई तुम उधर जाके बैठो। ये हिटलर कभी नहीं सुधरेगी। तुम विशाल की माँ से शादी की बात क्यों नहीं करते? अब मैं कैसे बात कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत शर्म आती है। शर्म आती है? अरे मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं, सपना की शादी की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बार दोनों की शादी हो जाए ना, तो विशाल के सर से काम का फितूर उतर जाएगा। बन जाएगा कोलू का बैल, बिल्कुल मेरी तरह। क्या कहा? सपना, कुछ खाने को है? चॉकलेट? मोटी हो जाऊंगी। बिस्किट? बिस्किट्स, भूखी रह जाऊंगी, बट आई गेस चलेगा। वाव दीदी, ये प्यार क्या होता है? प्यार? हवा खा के खुश रहे ना, खाना वाना कुछ नहीं मिलता है प्यार में। नहीं, प्यार तो ख्वाबों की दुनिया है। क्या क्या क्या? प्यार मतलब धड़कता है, बस एक ही नाम लेता है। अच्छा, और उसके साथ वक्त कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। और बस सिर्फ उसी का इंतजार रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्यार तो जन्नत में ले जाता है। एक टपली मारूंगी ना, नारियल के झाड़ से सीधा नीचे उतर आएगी। क्यों, क्या गलत है? बहुत नॉवेल्स पढ़ने लगी है तू आजकल, ये सब किस्से कहानी और फिल्मों की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और वैसे भी निम्मो, कम ऑन गो टेरिस करो, कम ऑन। मुझे एक बात बताइए। क्या? तुम्हें विशाल के बारे में क्या अच्छा लगता है? ओह विशाल, ही इज सो डेयरिंग, सो स्टाइलिश। पता है प्यार होता है जाबाज पुलिस ऑफिसर पर मर मिटना, जो अपनी महबूबा को छोड़कर एक मुजरिम से मिलने चला जाता है। दीदी, निम्मो। हाँ। पढ़ाई? ओह नो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। तेरा भाई कहाँ है बेटी? भैया वो चाचाओं को कैसे याद आ गई हमारी? नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे तुम तो कभी हमारे घर आते नहीं, हम ही चले आए। ये क्यों आएगा हमारे घर भाई साहब, आखिर हमने किया क्या है? चाचा विशाल भाई से डरते हैं, विशाल भाई खुफिया पुलिस में जो है ना। जरूर छोटे चाचा के मन में कोई चोर है। ये लो, मैं तो इतना सीधा हूँ कि आज तक मेरी शादी ही नहीं हुई, तो तुम्हारा ये मतलब है कि मैं बदमाश हूँ कि मैंने दूसरी शादी की? लेखू, डार्लिंग, छोड़ो ना। वैसे चाचा, आपने अपनी दूसरी शादी की पार्टी नहीं दी। हाँ दूंगा ना, लेकिन घर पे आना पड़ेगा। बोलो कब आते हो? बोलो चाचा, कुछ कमीने लोगों के पीछे लगा हूं। एक सबूत मिला है उनके खिलाफ, दो चार दिन में उनके चेहरे सामने आ जाएंगे, फिर वो चक्की पीसेंगे और आप और मैं पार्टी करेंगे। कहाँ जा रहे हो? पुलिस कॉन्फ्रेंस, शिमला। कुछ लोगे? ठंडा गरम कॉफी चाय? ओके डांस। या बूजी, व्हाट दिस, क्या कर रहे हो? अब मैं समझा तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, डांस करने के लिए ना? मैंने नहीं,
मैंने इनको डांस के लिए नहीं बुलाया। आपने बोला डांस करो। पूजा मैंने इनको नहीं बुलाया। और अभी तो कहाँ डांस करो, कह रही है नहीं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी गर्ल्स। मिस्टेक हो गया होगा। ओके डांस। आप फिर आ गए। अरे आप इन्हें तो कर डांस। नहीं मैंने नहीं कहा। नहीं, I'm so sorry, I'm so sorry for the confusion, girls. इनका नाम ही ओके है। हाँ। ओके। वो मुझे बुलाया। अरे ओके। मुझे किसने बुलाया? किसने बुलाया? आपका नाम ओके क्यों रखा गया? ये एक लंबी कहानी है। मुझसे पहले मेरी माँ ने बहुत से बच्चे पैदा किए। उसमें कोई लंगड़ा था, कोई लूला था, कोई आड़ा, कोई चढ़ा, कोई हिला हुआ था। मैं जब पैदा हुआ था बिल्कुल कम्प्लीट, डॉक्टर ने उठा कर देखा, बोला ही इज ओके। तब से लेके आज तक मैं ओके ओके ओके। इधर आओ। आऊं? आया? तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरुण कहाँ है? पता नहीं। पता नहीं का मतलब? आज मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह तुम शो से पहले उसको मेरे पास लेके आओ। ओ, क्या बात है। इतना भाव अगर कोई लड़की मुझे देती ना तो मैं उसकी चौखट पे कुत्ते की तरह बैठ जाता। ओके। अभी ढूंढना पड़ेगा। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। क्या मैं आप लोगों के साथ खेल सकता हूँ? एक यही टेबल है, यहाँ की एक कुर्सी खाली है। तुझे पहले कभी देखा नहीं इधर? अरुण, अरुण नाम है मेरा। अरुण? अरुण क्या, मेरा क्या खानदान जानना चाहते हो? यहाँ बाप और माँ का तो पता नहीं है। अबे सुअर की औलाद, यहाँ क्या माल कमाने आया है? उठ, चलो उठ। देखिए, गाली देकर बात मत कीजिए। क्यों बे? अब वो मैं डर जाता हूँ। और जहाँ तक माल बनाने का सवाल है, चलिए मैं आधा घंटा हारने को तैयार हूँ। क्या बात है। अरे घड़ी देख लीजिए, लेकिन आधे घंटे बाद मेरी किस्मत मेरे पत्ते। ओके। अरे ये तो 40 मिनट से हार रहा है। 40 मिनट? अरे पहले क्यों नहीं बताया? एक बात बता, तू इतना माल अचानक जीत कैसे गया? मैं आधे घंटे से हार इसलिए रहा था क्योंकि मैं आप लोगों को गौर से देख रहा था। जब आपके पास बुरे पत्ते आते हैं तो आप अपना नाक खुजाना शुरू करते हैं, आप मफलर ठीक करते हैं, और आप शराब पीना शुरू कर देते हैं। और आपके पास जब पत्ते अच्छे आते हैं तो आप अपना हाथ दबाते हैं और ये सिगरेट पीना शुरू कर देती हैं। दिस इज चीटिंग। अरे भाई, ये जुए की किस किताब में लिखा है? ये हाथ फिर होगा, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। आपका नाम? शेरू। शेरू क्या? अपुन इस मोहल्ले का दादा। वो क्या है कि मुझे दो आदमियों को जान से मारना है, इसलिए मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया था, समझा? आप शेरू है? हाँ, अब माल इधर कर, चल। रुक जाओ, इससे तो पैसे पहले हम वसूल करेंगे। कल सुबह हमको भी इसने इसी तरह हराया था। देख टकलू, बंदूक हटा दे। नहीं। देख बंदूक हटा दे। नहीं। देख तू जानता है कि मुझे बंदूक देख के क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? हे, उठाओ, चलो। बंदूक देख के मुझे ये चाकू, चाकू ये तो खिलौना है, छोटा सा खिलौना, मैं तो मजाक कर रहा था। ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, ले लो। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, आप मुझे मारेंगे। क्या बात करते हो अरुण भाई साहब, ये पैसे आपके हैं, आपके, ले लीजिए।
सच्ची? बिल्कुल। थैंक यू शेरू दादा, थैंक यू वेरी मच शेरू दादा। छाड़ यार। ए, माल? फिर वही चल? अरे नहीं यार, नए स्टाइल से। अरे आओ यारो। अरे यार वो टकलू को तो तूने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अरे उसको तूने मार के ढेर कर डाला यार। यार वो असली बंदूक ले आया था, कहीं चल जाती तो मेरे तो दो तीन पांच हो जाते ना। ये ले चले काम यार, कर उसके लिए कुछ यार। ठीक है यार, 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना उसको। चल ठीक है, चल निकलते हैं। ओके कल 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 भाई भाई। ओके ये कौन सा आइटम है यार? छाड़ यार, तू कहां था लेकिन? जहां मैं था ना वहां तुम्हें ले जाने आया हूं, चल मेरे साथ। अरे यार छाड़ यार, अपना भी स्टाइल है, वही पहन लेती हूं। ओके लो पूजा, लेकर आ गया अरुण। थैंक्स। तुम बुलाओ और मैं ना। आंखें बयान कर रही हैं दिल की बात। तुम तो शायरा हो गई। तुम्हारी संगत का सर है, वैसे कायल तो हैं हम तुम्हारी शायरी के। देखो इससे पहले कि तुम फिर से शेर पढ़ने के लिए कहो मैं चला। अरे नहीं। अरे कहाँ चले? काम है। कितनी बार पूछा है लेकिन आज तक तुमने नहीं बताया तुम करते क्या हो। अरे कितनी बार तो बताया लेकिन तुम यकीन नहीं करती हो, बताओ। चोरी करता हूँ। फिर मजाक? अच्छा क्या चुराते हो? दिल? अगर बाजार में बिकते तो वो भी चुरा लेता। चलो बाजारों में बिकते हैं, किसका चुराओगे? सपना, मेरा एक सपना है। कोई सपनों में आती है? हाँ उसी का दिल चुराऊंगा। कभी मिले हो उससे? देखा भी नहीं। कभी ना मिली तो? मेरी किस्मत, मेरी किस्मत। मैं चला। अरे अरुण, अरुण कहाँ चले? आज किडप्लाई नाइट में मैं तुम्हारा गीत गा रही हूँ, मुझे बॉल पूरी तरह याद नहीं, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया था। अरुण गाते गाते याद आ जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गाना जरूरी है क्या? जब इश्क दा गुंजल पड़ जाए, कोई तीर जिगर में गड़ जाए, कोई लाख बचाए अख अपनी। हो कोई लाख बचाए अख अपनी, ये लड़ जाए तो लड़ जाए, ये लड़ जाए तो लड़ जाए।
इशारे पे घर बार लुटाना पड़ता है, घर बार लुटाना पड़ता है, घर बार लुटाना पड़ता है। सजना के एक इशारे पे घर बार लुटाना पड़ता है। जो रूप सजन को भा जाए, जो रूप सजन को भा जाए, जो रूप सजन को भा जाए, वो रूप बनाना पड़ता है। जब इश्क का गुंजल पड़ जाए, कोई दीर जिगर में गड़ जाए। सपना है मेरा माही, मेरा सपना जो सामने है जो दिखता है, जो सामने है जो दिखता है, माही उसको ना देखे, ठिकाना है जो मिलता नहीं, जुल्मी तो उसको ढूंढे। ये पागल है दीवाना है, ये पागल है दीवाना है, न न न न न। ये इश्क नशा, ये इश्क जुनू, हाँ ये इश्क नशा, ये इश्क जुनू, ये बात न सबके बस की, ये हो जाए तो हो जाए, ये बात सुने कब किसकी, ये नहीं होता तो, ये नहीं होता तो, हाँ जी हाँ, नहीं होता तो, नहीं होता, नहीं होता तो, नहीं होता, ये नहीं घूमता ते, नहीं घूमता, नहीं घूमता ते, नहीं घूमता। जब इश्क का गुंजल पड़ जाए, कोई तीर जिगर में गड़ जाए, हम तो इसी इंतजार में हैं कि कब आपका ट्रांसफर यहाँ हो। अरे यार, एक बहुत बड़ा मुजरिमों का ग्रुप हाथ लगने वाला है, उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफर यहाँ पे। अच्छा। अरे पीछे देखा तो आज रात को, आज रात को तू बत्ती बजाना, तू माल उड़ाना, ठीक है, चलें। चलो चोरी करके भाग रहा था, ले चलो। विशाल की बातों से साफ जाहिर है कि उसने किसी को एक कैसेट बनाने दी है। विशाल का इस शहर में वापस आना हमारी मौत है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखोगे या उसे मारने की तैयारी करोगे? जाओ उसे मारने की तैयारी करो। डोंट वरी डैड, विशाल जिंदा नहीं बचेगा। कम ऑन ब्रदर, चलो। डार्लिंग, अब वायलेंस खत्म और रोमांस शुरू। अंगूर खिलाओगी? श्योर डार्लिंग। हाय भैया। हाय हाय, कैसा रहा शिमला? इट वाज गुड। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कमाल है, तेरी और सपना की शादी का शगुन लेकर आए हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे पंडित जी के पास शादी का मुहूर्त निकलवाने।
बेटा तुम्हें तो ये रिश्ता मंजूर है ना? अगर मैं ना कर दूंगा तो सपना मुझे मारेगी। हेलो विशाल, लोगों के चेहरे तो कुछ कुछ निकलने लगे लेकिन पहचान में अभी भी नहीं आ रहे। शायद मैं उन्हें पहचान लूं। मैं आता हूं। क्या ख्याल है? हाँ ठीक है। विशाल तू ही चलना हमारे साथ पंडित जी के पास। हाँ हाँ चल चल चल। अरे एक मिनट एक मिनट, आप लोगों ने सपना से पूछा? यही तो है, पूछ लो। हाँ हाँ पूछ लो। जाओ। ओके जाओ। ए गुड़िया, क्या मुझसे शादी करनी है? विशाल कम से कम इस मौके पर तो मुझे बचपन के नाम से मत पुकारो। आई एम सॉरी। तो क्या करना है? मैंने कब मना किया है? हेलो विशाल जी, कमिश्नर साहब। या आई एम कमिंग। सिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर। अच्छा? एक चोर मेरे होटल में घुसाया, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। माय गॉड। मुझे एक खबर देनी थी आपको उस बेनाम गिरोह के बारे में। नंदू ने मरते वक्त एक बहुत अहम बात बताई जिससे कुछ सुराग मिले। कैसा सुराग? एक वीडियो का सेट जो जल्द मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, उसमें एक क्या हुआ? विशाल विशाल तुम कुछ कह विशाल ओह माय गॉड। सिर्फ इतना कह दो कि विशाल जिंदा है। हाँ वो जिंदा है। थैंक यू गॉड। लेकिन सिर्फ नाम के लिए, वो कोमा में जा चुका है। और कोमा से निकलकर होश में कब आएगा और आएगा भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विशाल की हालत में उसे क्या हुआ है, क्योंकि अगर यह खबर बाहर फैल गई तो गदर मच जाएगा शहर में। और लेकिन मेरा दिल कहता है डॉक्टर साहब, विशाल को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं आपके जज्बात समझता हूं कमिश्नर साहब, और ये भी मानता हूं कि करिश्मे होते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक इस गहरी नींद से जागता है। विशाल की मौत के बाद शहर में गैंग वॉर शुरू हो गया है। और डैड अब हमले पे हमले हो रहे हैं। अरे होने दो, छोटी मोटी गैंग को उड़ा दो, सारे शहर को आग लगा दो। राजा हथियारों का कंसाइनमेंट बिल्कुल बेफिक्र होकर भेजो। अगर पुलिस वाले रास्ते में आए तो उनको भी उड़ा दो। हेलो सर, ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? आखिर आपकी पुलिस फोर्स कर क्या रही है? विल यू प्लीज कीप क्वाइट। आपके पास कोई जवाब? विल यू लेट मी टॉक टू यू? आपको हमें जवाब देना होगा। यस सर, मिस्टर विशाल की माँ का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती है। कह देना मैं मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में फोन करूंगा। ओके सर। कब तक छुपाऊंगा विशाल के बारे में? कल जाकर उसकी माँ को सच्चाई बता ही देता हूँ। भाई साहब विशाल कहाँ है? आप उठिए मत प्लीज, आप उठिए नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। जी वो देखिए कमिश्नर साहब, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो हमें बता दीजिए, भाभी जी को तो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं लेखराज जी, आज सुबह ही तो मेरी बात हुई विशाल से। यानी वो ठीक है? हाँ वो ठीक है ना? हाँ ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है वो भाभी, बिल्कुल ठीक है, भला चंगा है वो भाभी, भला चंगा है। बस सिक्योरिटी की वजह से उसे इजाजत नहीं है कि वो किसी को फोन करे, आपको भी नहीं। लेकिन वो आएगा कब? वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी आ जाए। ठीक है, आप सेहत का ख्याल रखिएगा। जी मैं चलता हूँ। आप प्लीज हमें इत्तला देते रहिएगा विशाल के बारे में। जरूर, हमें भी। जी ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है भाई साहब,
मैं मंदिर होके आती हूँ। भाई साहब फिकर मत कर, भगवान भी हंस रहा है क्योंकि उसे पता है कि विशाल उसके पास है, और ये भी पता है कि वो कमिश्नर झूठ बोल के गया है। पर क्यों? इस बुढ़िया की तबीयत देखकर, कहीं मर मरा ना जाए अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। शिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर, एक चोर मेरे होटल में घुसाया, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। हेलो, कल सुबह मेरा शिमला जाने का इंतजाम करो। तो क्या फैसला है तुम्हारा? 10 लाख के लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। ओके ठीक है, लो अब कमिश्नर साहब भी शहर में नहीं है। माँ मेरा दिल कहता है कि वो विशाल भैया को लाने गए होंगे। क्या पता? बगा बरुण, बगा, कमा, कमा। 10 किलोमीटर तो भाग लिया, 5 और बाकी है, कमा। कुछ नहीं होता। अरे कमान अरुण, अरुण 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख के चक्कर में क्या क्या करवाएगा? चलो अरुण, जीप ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम विशाल कैसे बनोगे? अरे सर आज तक मैं पुलिस की जीप के आगे आगे भागता था, आज आपने अंदर बिठा दिया, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। हाँ ठीक है। अरे, 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 हेलो। नहीं पापा तो नहीं है, बाद में फोन कीजिए। दीदी तुम्हें लगा कि विशाल का फोन है ना? कैसे कैसे खतरों से खेलता रहता है, एटलीस्ट एक फोन तो करना चाहिए, फिक्र होती है ना। डोंट वरी, आई एम श्योर ही इज फाइन। He's done it. देखो विशाल के बारे में तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं, अब मेरे ख्याल से तुम उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अरुण सर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस बैग पे सर, वो क्या है कि मैंने आज तक 10 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे, सोचता हूं कैसे दिखते हो। आ, आ, आ। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तुम इस बैग को हाथ नहीं लगाओगे। छोड़ यार। अरुण नहीं, तुम उस बैग को नहीं छुओगे। लेकिन सर आप मुझे वहां से, तुम्हारे लिए ये बाहर से शीशा है लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकता हूं। सुनो अब वक्त आ गया तुम्हें विशाल की फैमिली के बारे में सब कुछ बता देने का। हेलो, मैं सपना आपसे मिलना चाहती। अच्छा ठीक है, भेज दो अंदर। ओके सर। अरुण तुम अंदर जाओ। लेकिन डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी अंदर जाओ क्विक। आओ बेटा आओ, बैठो भी, कुछ पियो। मैं यहाँ कुछ पीने भी नहीं आई, बल्कि मैं तो आपसे, मुझे मालूम है सपना। सपना एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, एक
Keep me informed. अंकल, सपना सपना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कल वो आ रहा है। सच? बिल्कुल सच। तो मैं आपकी तरफ से वादा समझू कि वो आ रहा है? पक्का वादा, और शायद आज ही। ओह थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरुण, देखा, इसे कहते हैं इत्तफाक। आज ही मैं तुम्हें विशाल की फैमिली के बारे में बताने जा रहा था और आज ही सपना यहाँ आ गई। ये विशाल की महबूबा है। विशाल की महबूबा सपना? हाँ, इसकी सूरत अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो, अब अक्सर इससे मिलना पड़ेगा तुम्हें। बस यही तुम्हारे फंसने का डर है मुझे। जी हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। विशाल सपना से कैसे मिलता था, कैसी बातें करता था, ये तो मुझे नहीं पता। बस उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके महबूब नहीं हो। अरुण, अब भी खोए हुए हो? अच्छा, जब तक रुपयों का दर्शन नहीं होता तब तक। अब विशाल आपके सामने खड़ा है, कहिए क्या करना है। भाई साहब, भाई साहब, फॉर्म भरने के लिए ये सॉफ्टवेयर। ये चाचा क्यों चिल्ला रहा है? अरे सुनिए मेरी बात, अभी तो इस अंगूर बेचने वाली के अंगूर खाना बंद करो। क्या हुआ? और दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। अरे मेरे अंगूर देखकर तू लंगूर क्यों हो रहा है? तेरे पेट में क्या दर्द है? अरे बर्बाद कर दिया दूरदर्शन ने हमें, बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? टीवी में देखिए क्या क्या हो रहा है, जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए आइए। ये देखिए, नहीं नहीं डैडी, ये तो पुराना रिकॉर्ड किया हुआ है। अरे पुराना रिकॉर्ड किया हुआ नहीं है, लिव दिखाओ है, लिव। ओहो देवर जी, लिव नहीं, लाइव, लाइव होता है। ओहो, लिव हो या लाइव, भाभी जी हमारी लाइफ खतरे में लग रही है, हर चेहरे में दिख रहा है ये। ये देखिए। एक्सक्यूज मी, आज जो शहर में क्राइम बढ़ रहा है उसमें किसका हाथ है? आप इतने दिन कहाँ गायब थे? इस बढ़ते हुए जुल्म के पीछे आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? उतना ही जितना आप लोगों को मानता हूँ। क्या मतलब? आप लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ छाप दिया कि मेरे डर से मुजरिम पाताल में जा छुपे, उन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे गायब होना पड़ा और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। वो इस तरह खुल के बाहर आए कि मैं एक एक की शक्ल पहचान गया हूँ, और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो कानून के सामने खुद अपना जुर्म कबूल कर लें, वरना। भाई साहब, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा ये, अबे उल्लू के पट्टो, किसको मार डाला विशाल के बदले में, मुझसे नहीं देखा जा रहा। डैड, ये चक्कर समझ नहीं आया कि हमने उसे अपने हाथों से मारा था, तो ये क्या उसका भूत है? कितनी बार कहा है कि चरस गांजे के नशे में काम मत किया करो। अगर तुमने उसे अपने हाथों से मारा है तो ये हरामजादा जिंदा क्यों है? देखो, यहां आकर अरुण की हर झलक तुम में से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि अंदर एक मां है जिसे अपने बेटे विशाल का बेसब्री से इंतजार है, और अब वो बेटा तुम हो। अनाथों के रिश्तेदार नहीं होते, मां क्या होती है, बहन क्या होती है, मैंने बचपन से कभी जाना ही नहीं। अगर तुम कहीं चूके तो मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा। चलो भाभी जी, भाभी जी देखिए कौन आया। कौन? विशाल, विशाल, कहाँ चला जाता है तू? ना तेरा कोई फोन, ना कोई खबर, या हमारा क्या हाल होता है पता है तुझे? विशाल भैया, you're back home, yes, भैया 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 भैया, अगली, भैया, वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं, वादा कीजिए,
अच्छा पापा, वादा करता हूँ आज के बाद कभी नहीं जाऊंगा। एक वादा सपना दीदी से भी करना पड़ेगा, पता है कितना मिस किया उन्होंने आपको। आज उससे मिलने जरूर जाना। वो माँ आज मैं नहीं बेटे, किसी को ऐसा सताते नहीं। हेलो आंटी। अरे सपना, देखो कौन आया है। बेटा अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी। कहाँ गायब हो गए थे आप? आ गया, आ गया, मेरा शेर आ गया। आजा आजा आजा, बहुत गड़बड़ है, सपना बहुत नाराज है। तो फिर आप लोग मेरी मदद कीजिए ना। मदद? ये देख क्या हो गया, भूल गया वो सारी बातें जो तूने मुझे बताई थी? क्या कहा था, मुझे ठीक से याद नहीं। याद नहीं है? ये शेर अचानक मेरी तरह गीदड़ कैसे बन गया? अंकल, लड़कियों के सामने शेर नहीं, शायरी करनी चाहिए। शायरी? क्या हो गया तुझे, तू ठीक तो है ना बेटे? मजाक कर रहा था। मजाक कर रहा था? जा ऊपर, जा ऊपर जा, दरवाजा खटखटा और डरना लेकिन दिखाना मत है। कुछ नहीं सपना। हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई शहर होगा जहाँ एसटीडी ही ना हो? सपना। नहीं मम्मा, मैं तो बस पूछ रही थी, क्योंकि मैंने सुना है कि 7:30 बजे के बाद रेट्स हाफ हो जाते हैं। हाँ, और 8:30 बजे के बाद 1/3। एग्जैक्टली, बल्कि मैंने तो ये भी सुना है कि रात के 11 बजे के बाद रेट्स 1/4 यानी 1/4 हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि एक फोन भी नहीं कर पाते। अरे बाबा माफ कर दो, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं फोन कर पाया। मुझसे कुछ कहो, इनसे कोई पूछे कि अब यहीं खड़े रहेंगे या कहीं जाना भी है। जा 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 जा। पूछोगे नहीं कि नाराज हूँ? नाराज हो? हाँ हूँ, नाराज हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि प्यार तो मुझसे करते हो, पर तुम्हारी शादी पहले से हो चुकी है। शादी किससे? अपने काम से। ओ, तो तलाक दे देते? क्या? हाँ, जो चीज मेरे और मेरे प्यार के बीच आएगी उसे हटा नहीं दूंगा। क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो? कुछ गलत बोल गया? पर सुनो, वो आज पीके तो नहीं आया? बोतल देखे तो अरसा हो गया, और अब पीऊंगा भी नहीं। नशा तो वैसे भी हो रहा है। मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो, पर नहीं। शुक्र है। क्या शुक्र है विशाल, फिर वही होटल? लेकिन तुम और मैं हमेशा यहीं तो आते हैं। जी आते हैं, चलें? चलो। इसे क्या हुआ? उस दिन जो इसकी जान निकाल दी थी। Oh, I forgot. विशाल, डिस्को, let's go home. चलो। चलो? Come on. Really? I love you, love you. तो कभी नहीं देखा तुम्हारी आँखों में। Come on, let's dance. Come on, come on. आखिर अरुण है कहाँ? अरे को कमिश्नर चौहान उसे शहर से दूर ले गया, वो भी मुझे अपने खुफिया कबरी कुत्ते से पता चला। मेरे शो से बचाए हुए काफी पैसे हैं, हम अरुण को ढूंढ निकालेंगे। मेरे पेशेंट का क्या होगा? ओके, तुम कुत्ते बिल्लियां वहां भी मिल जाएंगे। कैसे दोस्त हो तुम, तुम्हें अपने दोस्त की बिल्कुल फिक्र नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, दोस्ती के मामले में मैं कुत्ते से ज्यादा वफादार हूँ, अरुण को ढूंढ निकालूंगा।
हेलो सपना। विशाल हाय, क्या बात है? आज तुमने मुझे फोन कैसे किया, वो भी इस वक्त दिन में? वो कुछ खास काम नहीं था ना, बस इसीलिए फोन किया। क्या काम नहीं है? और तुम्हें क्यों, शहर के सारे मुजरिम कहाँ गए? मेरे आने की खुशी में सोग मना रहे हैं। वैसे भी मेरे पीछे पड़े रहने से कौन सा सुधर जाने वाले, उन पे वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले जाऊं। क्या क्या हुआ, सुन रही हो ना? हाँ, मैं सुन रही हूँ विशाल। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम वही विशाल हो। क्यों? कल पहली बार मुझे डिस्को ले गए, मोबाइल भी बंद कर दिया, और आज वो भी इस वक्त फोन करके बाहर ले जाने की बात कर रहे हो। वाव, दिस इज ग्रेट। क्या हो, क्या गया है तुम्हें विशाल? पता नहीं सपना, क्या हो गया मुझे। अच्छा सुनो, शाम 7 बजे तैयार रहना। सपना दीदी, इतने सपने मत देखो, बहुत दिनों बाद आए हैं ना, इसीलिए तुम्हें मस्का लगा रहे हैं। लेकिन शर्त लगा लो, आज भी वो तुम्हें अपने फेवरेट जगह पर ही लेके जाएंगे। यू मीन वही बोरिंग बॉल रूम डांसिंग? ये कहाँ ले आए हो मुझे? A rose for a rose. Thank you. ये जगह और यहाँ के लोग तुम्हें हमेशा याद रहेंगे। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही मजा कर रहे थे हम। ऐसा ऐसा छुपा लो, लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं। डरो मत, आज मैं तुम्हें होश में लाने नहीं आया हूँ, खुद मत होश होने आया हूँ। सर पीजिए, मजे में आ जाएंगे मेरी तरह। देखो मैडम को मिलो, मैडम को आराम से। आओ सर। अरे आओ, मैं हूँ ना, काय को फिकर करता है। आप भी लीजिए ना। मैं नहीं विशाल, संतरे का है? नहीं मैं नहीं, मैं नहीं पीती। मैं क्या बात करती है? ये आंखें, ये मस्ती, ये पलकें, ये काजल, ये जुल्फें, ये खुशबू, ये चूड़ी, ये पायल। कयामत, 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 कयामत। ये चेहरा, ये तेवर, ये आदिल अदाए, ये प्रेमी, ये पागल, ये चाहत, ये मोहब्बत। कयामत, 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 कयामत। ये आंखें, ये मस्ती,
ये पलकें ये पलकें ये पलकें ये पलकें ये काजल ये काजल ये काजल ये काजल। आशिकी हो जिसकी शायर है कौन वो तुम शायरी हो जिसकी ये जलवा ये जलवा ये जवानी मैंने आपको बुलवाया था कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट है विशाल में। अच्छा नहीं नहीं मैं कोई उम्मीद नहीं बंधवाना चाहता लेकिन उसने हल्के से किसी का नाम लिया था। नाम किसी लड़की का सपना हाँ शायद यही यानी कि अब वो नहीं नहीं कमिश्नर साहब अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता जब तक वो जिंदा है उम्मीद जिंदा है। इतना बता दे क्या यही प्यार है प्यार है प्यार है। ऐ दिल इतना बता दे क्या यही प्यार है प्यार है प्यार है।
आज चेहरा बहुत खिला खिला लग रहा है। पैर लवली लगाई थी क्या? थोड़ा सा प्यार। और निमो, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे फिर से विशाल से प्यार हो गया है। ऊ ला ला ला। ए, नजर मत लगा। दीदी, एक्सक्यूज मी सर, ये सामान मुझे दे दो। रहने दीजिए, कोई बात नहीं। ये पुलिस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन नहीं। दे दो। तभी तो। हाँ? नहीं नहीं नहीं, आप लोगों में पूरा भरोसा है। आइए। सर जी। यस। हम लोग शिमला से आए हैं, हमारे दोस्त अरुण के बारे में पूछताछ करना है। अरुण? कौन अरुण जी? वो आपको तो याद नहीं होता होगा, कईयों को अंदर करते हैं आप। देखिए, मैंने उसे देखिए सर जी, वो हमारे अन्नदाता है, जब से वो गया है इनका खाना पे और मेरा पीना बंद है जी। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, जी। विल यू लिसन टू मी? अरुण ऐसा लड़का नहीं जी। विल यू शट अप? आप उसे छोड़ दीजिए प्लीज। शट अप! मैं आपके पाँव। शट अप! नाम क्या है तुम्हारा? ओके सर। ओके ओके, कुछ नहीं, नाम क्या है तुम्हारा? ओके सर। व्हाट ओके? व्हाट नहीं सर, सिर्फ ओके सर। किस बात के लिए ओके ओके कर रहे हो? सर जी, मेरा नाम ही ओके है सर। अच्छा, तुम्हारा नाम ही ओके है? हाँ जी। ओके, थैंक यू जी। सर जी, आपने मुझे बुलाया सर जी, थैंक यू सर जी। देखो ओके, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ये जो तुम्हारा दोस्त है, क्या नाम बताया तुमने? ओके ओके, डैम इट, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे दोस्त का नाम अरुण है जी। अरुण जी, देखो ओके, मैं तुम्हारे अरुण को बिल्कुल नहीं जानता, ना ही मैं उसे शिमला से यहाँ लाया हूँ, समझे? मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, बुरा मत मानिए सर, मैं पुलिस वालों की बातों पे जरा भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ रहे होंगे ना। मैं यहाँ का पुलिस कमिश्नर, तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं सर, पुलिस वालों के लिए लोग कहते हैं जो जितना बड़ा ऑफिसर वो उतना ही बड़ा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ रहे हैं ना सर। यहाँ की जेल बहुत बड़ी है, उसमें जगह भी बहुत खाली पड़ी है। अगर तुमने अरुण के बारे में फिर से पूछा तो मैं भी बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ सर, जेल भिजवा दूंगा, समझे? आप मुझे जेल भिजवा दीजिए सर, क्योंकि मैं एक बार नहीं 100 बार पूछूंगी अरुण कहाँ है। आपको इस कुर्सी पर हमारी मदद के लिए बिठाया गया है, हम लोगों के ऊपर दादागिरी करने के लिए नहीं। आखिर क्या लगा रखा है आप लोगों ने? शिमला जेल में वो नहीं है, हम यहाँ आते तो आप कहते आप उसको पहचानते ही नहीं। वो मुजरिम है तो उसको सजा दीजिए, लेकिन कम से कम उसके अपनों को इतना तो बता दीजिए वो सजा कहाँ काट रहा है। क्या लगती हो तुम उसकी? कुछ नहीं, लेकिन वो मेरा बहुत कुछ लगता है और मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी उसको ढूंढने के लिए। ये तो अंदर करवाएगी सर। देखो, ये मेरे गेस्ट हैं जी सर, इन्हें पुलिस गेस्ट हाउस ले जाना। राइट सर। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, बस मुझे एक दो दिन की मोहलत दो, मैं उसके बारे में मालूम करके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। अब तुम लोग जाओ। आइए सर, गेस्ट हाउस ही है ना? हाँ। नमस्ते। थैंक यू सर। प्लीज कम। आजी आजी। चल 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 चल। विशाल। अच्छा भाई साहब, यहाँ है? अरे शिमला में आपका दोस्त बड़ा परेशान था यार, मुझसे बोल रहा था आपका एड्रेस ढूंढो। अच्छा सुनो, तुम्हारा पक्का एड्रेस यही है ना? ओए, ओके। बदले बदले सरकार नजर आते हैं, व्हाट हैपन यार? ओए छाड़े यार, तो फट यार। लेकिन तुम लोग यहाँ अचानक? मैं यहाँ कुछ पेशेंट्स देखने आया था। हाँ, यहाँ के जानवरों ने तुझे चिट्ठी लिख के बुलाया ना? अरे पूजा मिस कर रहे थे तुमको यार। पूजा? हाँ। कहाँ? कैसी हो पूजा? अब अच्छी हूँ। अचानक यहाँ आना पड़ा, काम ही कुछ ऐसा था। वैसे तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी इस गेस्ट हाउस में? क्यों, तुम यहाँ नहीं रहोगे? मैं आता जाता रहूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इतने पैसे? अरुण क्या बात है? ओके, ये मेरे अपने रुपए हैं। अपने?
अरे यार, शिमला जेल के बजाय यहाँ इस शहर में सूट बूट पहन के क्या हो रहा है? ये कोई बैंक लुटा है, इतना लंबा हाथ मारा है? ओके इज नॉट ओके, किसको सुलाया तूने नहा धोके? ओ माय गॉड, किसने खाई ये चोट? 500 के नोट? ओके, इसमें से 5 लाख रुपए पूजा के हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके गानों का कैसेट बने, म्यूजिक वीडियो बने, वा, 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 वा। और बाकी के 5 लाख रुपए तेरे। नहीं। हाँ। तू जानवरों का अस्पताल खोलना चाहता है? मेरे सारे जानवरों को तुझे उबर लग जाए मेरे भाई। क्या है? क्या है? जानवरों की दुआएं मेरे भाई, जानवरों की दुआएं। अच्छा राने, तो तुम कल वहां जाके फिर। हेलो विशाल, महेश बोल रहा हूँ। महेश। अच्छा वो कैसेट रेडी है? कैसेट? वीडियो कैसेट। वीडियो कैसेट। हाँ हाँ। अच्छा कहाँ है तुम्हारी दुकान? अरे क्या मजा कर रहा है यार। अरे तुम नई दुकान खरीदने वाले थे ना? अरे नहीं यार, वही पुरानी कैंटोनमेंट वाली। कैंटोनमेंट यार, मैं गली का नाम भूल गया। अरे क्या हो गया तुझे? एमजी रोड। हाँ हाँ एमजी रोड। अच्छा तुम दुकान पे आ रहे हो ना? ठीक है मैं शाम को आता हूँ। ओके लेखराज जी, मैं इंस्पेक्टर राणे बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। आज मैं आपको ऐसी खबर सुनाऊंगा जिससे सुन के आप। कैसी खबर? मुझे पता चल चुका है कि आपका वीडियो कैसेट कहाँ पर है। कैसेट? हमारा कैसेट कहाँ है? अब हमें पता चल गया। भाग गया लगता, भाग गया भैया, मर गया होगा साला। 2 गोलियां मारी हैं। चला चलो। इस साले ने मेरी नींद हराम कर दी है। ये साले को तो मैं मरवा डालूंगा। क्या सोच रही है? पता है कल माँ और बबली कह रही थी कि तुम बहुत बदल गए हो। मुझसे पूछा तो मैंने भी यही कहा। तुमने क्यों कहा? सच ही तो है, माँ तो कमिश्नर साहब से पूछने वाली थी कि ऐसी कौन सी जगह भेजा था तुमको, जहाँ पुराने विशाल को वहीं छोड़ा है। और अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि तुम तो वो विशाल हो ही नहीं जिसे मैं जानती थी। अरे तुम तो ऐसे डर गए कि सचमुच तुम विशाल नहीं कोई और हो। मैं तो मजाक कर रही थी। और सच कहूं हम सब बहुत खुश हैं कि तुम बदल गए हो। We'll be right back.
कोई रास्ता मिला यहाँ से जाने का? नहीं, हम एक आइलैंड पे फंस चुके हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है और कुछ नहीं। तो फिर अच्छा है ना? ये हवा चलती है तो बड़ी ठंड लगती है। मैं आग जलाने की कोशिश करता हूँ। अगर आग नहीं जली तो? आज तो मैं पानी में भी आग लगा दूँ। मैं जानती हूँ, जो दिल में आग लगा सकता है उसके लिए पानी क्या चीज है। लगता है ये लाइटर मुझे फ्लॉप करके रहेगा। सबके जाओ इस लाइटर पे। अगर ये लाइटर नहीं जला तो मेरी सर्दी का कोई दूसरा इलाज ढूंढोगे? ये गलत है। शादी का इंतजार है। शादी का क्या भरोसा? आज तो मुझे अपना भरोसा भी नहीं। मजबूर हूँ। मेरा दिल चुराया था तब मजबूर नहीं थे? तब भी अपने दिल के हाथों मजबूर था। तो फिर अब मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? मजबूर हूँ। देखो, मुझे और तड़पाओगे ना तो? तो मैं तुम्हें दांतों से काट खाऊंगी और तुम्हारा दिल। Thank you.
जिसे छू के बेताब है, मेरी मोहब्बत में वो आग है। क्यों जलाती हो ऐसे मौसम में दर्द, समझो जरा, बहकी अरमां ही प्यासी धड़कन है, मैं करूं भी तो क्या, चुराओ ना दे, चुराओ ना दे। खता है ना मेरा कसूर, ये सब तो है आशिकी का सुरूर। बाहों में मुझको बिखर जाने दे, हद से भी आगे गुजर जाने दे। तेरी आंखों ने मेरी आंखों से जाने क्या कह दिया, ना संभलने दे एक पल को भी है ये कैसा नशा। चुराओ ना दे, हाँ चुराओ ना दे। नॉवेल सही था। अच्छा, सारे किस्से, सारी कहानियां, सब कुछ सही था। प्यार जन्नत है, जन्नत है प्यार। ख्वाबों की दुनिया है, दिल की हर धड़कन बस उसी का नाम लेती है। उसकी आंखों में जो जुनून है, हाय, वो मैंने पहले कभी क्यों नहीं देखा, पहले क्यों नहीं देखा निमा, पहले क्यों नहीं देखा। दो दिन बस तो पल की तरह गुजर गए, अब बस उसी का इंतजार है। कब आएगा वो, कब आएगा। I love her, I love her, I love her, I love Sapna। Morning, good morning, good morning, hi junior, morning, morning, morning। आपने मुझे बुलाया। अरुण, तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। विशाल को होश आ गया है। विश्वास नहीं हो रहा है ना तुम्हें? अरुण, अरुण, मगर ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अरे भगवान ने हमारी सुन ली है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये करिश्मा हुआ है, इट्स अ मिरेकल। लेकिन मेरा दिल हमेशा मुझसे कहता था कि मेरे विशाल को कुछ नहीं होगा। अरे ही इज अ फाइटर, आज उसने मौत से भी बाजी जीत ली है। अब तुम्हें ज्यादा दिन विशाल बने रहने का नाटक करने की जरूरत नहीं है अरुण, विशाल विल बी बैक सून। विशाल को मैंने यहां रखा है, दुनिया की नजरों से दूर। हेलो विशाल, वंडरफुल टू सी यू। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग।
So, how are you feeling today? Perfectly fine, sir. That's my boy. By the way, Vishal, he is Arun. कैसे हो चोर? मुझे कमिश्नर साहब ने सब कुछ बता दिया। दाद देता हूँ मैं तुम्हारी बहादुरी की। अपनी जान जोखिम में डाल के तुम विशाल बन गए। बहुत कदर करता हूँ मैं बहादुरों की। इतना सम्मान मत दीजिए। मैं तो एक सड़क छाप इंसान था। कुछ वक्त आपके नाम के साथ जीने का मौका मिल गया। मौका क्या मिला? मैं तो अपना नाम ही भूल गया। घर चले विशाल। लेट्स गो सर। चलो। क्या हुआ? मां को जब असलियत का पता चलेगा तो कहीं उसे सदमा न लगे। इसलिए मैंने सपना और उसके परिवार को भी बुला लिया है। खुशियों का माहौल सा छा जाएगा, उसमें तुम्हारी मां भी शामिल हो जाएगी। चलो। थैंक यू सपना, बहुत अच्छी कॉफी बनाई है तुमने। विशाल, ये मां, ये क्या हो गया विशाल? बेटे ऐसे क्यों मिल रहे हो जैसे महीनों बाद मिल रहे हो? महीनों बाद ही मिल रहे हैं भाभी जी। मतलब आपसे ही नहीं, सभी से। विशाल, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, दुश्मनों ने 3 महीने पहले हमला किया था और विशाल कोमा में चला गया था, एक लंबी बेहोशी। कोमा? लेकिन ये तो हमसे रोज मिलता था। वो विशाल नहीं था, लेकिन ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। अरुण, 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 महीनों से अरुण आप सबसे मिलता रहा, मुजरिमों पर काबू पाने के लिए और उनके दिल में विशाल का डर बिठाने के लिए। मैंने अरुण को विशाल बनाया था। खा गए ना तुम सब धोखा। कमाल कर दिया तुमने अरुण। यूं तो कोमा में सपने नहीं आते, लेकिन सपना मुझे तुम्हारे बहुत सपने आए इस गहरी नींद में भी। कैसी हो गुड़िया? विशाल, अरे भाभी जी, ये तो खुशी का मौका है। विशाल के साथ जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब तो ये बिल्कुल ठीक है ना? तभी मैं सोचूं कि इसे विशाल और मेरे बीच हुई बातों का पता क्यों नहीं है। मैं शेर की बातें करता था और ये शायरी की, लेकिन एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता है तू। फिर भी भाई साहब, मैं अरुण का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। विशाल की गैर हाजिरी में तुमने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा। हाँ अरुण, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। थैंक्स बड़ी। मेरा होने वाला दामाद मौत के मुंह से वापस आया है। अरे शैंपेन खुलेगी, शैंपेन। बस बस बस, कितना खिला रहे हो उसे। और मैं फिर हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। हॉस्पिटल की बात मत कर। अच्छा अरुण कहाँ गया? अभी तक प्लेट्स लेकर नहीं आया। भाभी जी, मुंह मीठा करने के बाद मुंह खट्टा भी किया जाएगा। और सपना बेटी, शैंपेन ग्लासेस। यस 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 यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। सपना, तुम मुझे तमीज से बात करो। मुझे तुम नहीं, आप कह के पुकारो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ देखने की भी? क्या समझा था तुमने मुझे? मैंने यहां से विशाल को चाहा, पूजा करती हूँ मैं उस इंसान की, उसके असूलों की। तुम दो कौड़ी के इंसान विशाल बनने चले थे? शट अप। तुम कौन हो मैं जानना भी नहीं चाहती। मेरे लिए सिर्फ मेरा विशाल है, तुम्हारा कोई वजूद, कोई अस्तित्व नहीं है मेरे लिए। सब
अरुण कयामत 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 ये कयामत कयामत क्या है? प्यार का नेशनल एंथम। मुझे भी तुमसे आज प्यार की बात करनी है। प्यार क्या होता है? आज ही मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? चलो तुम बताओ। अरुण, प्यार, 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 प्यार सपना है। सपना? हाँ, पहले कयामत कयामत, फिर उसने कहा चुराओ ना दिल। मैंने कहा चुराओ ना दिल, लेकिन कमबख्त उसने दिल चुरा लिया और आज ऐसी ठोकर मारी सपना ने मुझे कि बस मजा आ गया। अरुण, कुछ मत कहना। अरुण, मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकती। ये दर्द तो वही समझ सकता है जिसने कभी प्यार किया। और मैंने तो कभी प्यार ही नहीं किया और करना भी नहीं। जैसा दर्द मिला है
मुझे जैसा दर्द मिला, ऐसी चोट न खाए कोई, सजना ने फूल मारया है। विशाल साहब, अरुण कम कम सर, मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ। इजाजत इस शहर से चले जाने की? वापस वही चोरी चकारी? जी नहीं, अब होश में आ गया हूँ। अब तो कोई कहे भी कि चुराओ ना, तब भी नहीं चुराऊंगा। समझ में आ गया कि चुरा लेने से कोई चीज अपनी नहीं हो जाती। Well said. सपना, तुम्हारा क्या ख्याल है, इन्हें जाने दिया जाए? हाँ विशाल, इनका काम खत्म हो गया है, अब इन्हें जाना चाहिए। यार तुम बड़ी बेरहम हो, इसने हमारे लिए इतना किया और तुम? नहीं विशाल साहब, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेरहमियों की तो आदत है हमें। जब तक फुटबॉल की तरह कोई किक ना मारे, लगता ही नहीं कि मैं जिंदा हूँ। बड़े दीवाने हो तुम। ठीक है, कमिश्नर साहब से जाके बात कर लो, आखिर लाए तो तुम्हें वही थे। कमिश्नर साहब से बात करके उसे रुकवा लूंगा। क्यों? एहसान किया उसने मुझ पे, मैं चाहता हूं कि वो जिंदगी में कुछ बन जाए, वरना शराब की बोतल में जिंदगी डुबो देगा। वो कैसेट यहीं कहीं होगी सर, महेश का कोई सगा संबंधी नहीं जो महेश की खबर? सर ये उसका कोई दूर का रिश्तेदार है। सर महेश बहुत दिनों से गायब है और दुकान भी बहुत दिनों से बंद है, ऐसा तो नहीं कि महेश की जान को खतरा है? महेश एक ऐसा राज जान गया था सर, जो चंद लोग नहीं चाहते थे कि मुझ तक पहुंचे। अगर वो लोग मुझ पे गोली चला सकते हैं तो वो महेश पे भी। अरे ये तो विशाल की बर्थडे पार्टी का कार्ड है तेरी। डैड डैड मेरी बात तो सुनिए, हमारे लाखों रुपए की बंदूकें और बम गोडाउन में अटके पड़े, ठीक है, जिनको आपको बाहर भेजना। उस रात विशाल अपनी बर्थडे पार्टी में बिजी रहेगा और हम सारा गोला बारूद डॉक तक पहुंचाकर शिपमेंट करवा देंगे। आइडिया कैसा है डैड? डैड ये पूछ कि ये थप्पड़ मैंने क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि ये अकल की बात तूने पहले क्यों नहीं की? हेलो, हाँ ओके, सपना काम निकला है, जाना होगा, कोई बात नहीं, चलो चले। श्योर चलो। अरे क्या चीज है यार। अरे साहब आपकी गाड़ी। हाँ यार जोड़ी जमी नहीं यार। अबे काश ये हमारी गाड़ी में होती तो बस। विशाल तुम्हें देख रहा था, हॉट ब्लडेड यू सी। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते साहब। अरे भाई मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ, जो कर रहा है ये कुत्ता कर रहा है। तुम्हारे मरने के बाद जो कार्रवाई होगी इस पर होगी। लेकिन सर ये तो गैर कानूनी है। हाँ ये मैं जानता हूँ, ये तुम जानते हो, लेकिन क्या है ये कुत्ता नहीं जानता ना, साले ने कभी कानून की किताब पढ़ी नहीं। लेकिन कुत्ता जो ठहरा बेचारा। लेकिन सर, सर परेशान क्यों होते हो? इस घड़ी में अलार्म बजने में एक मिनट बाकी है, फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हें मुझसे बात करनी है या इस कुत्ते से? सर सर मैं सब कुछ बताता हूँ सर, सब कुछ बताता हूँ।
कैसीनो, कैसीनो के मालिक जिमी। नहीं साहब, मालिक कोई और है। फिर कौन है? मैं उन लोगों में से किसी को नहीं जानता सर, सिर्फ जिमी के लिए काम करता हूँ। परसों तो आप साहब अपनी बर्थडे पार्टी में बिजी होंगे, इसलिए हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि अपना सारा माल डॉकेड वाले गोडाउन से शिपमेंट करवा देंगे साहब। हाय देयर। आ गए तुम? हाँ, आ गया मैं। बाय द वे, अरुण कहाँ है? क्यों मजाक कर रहे हो? ये मजाक तो ऊपर वाले का है, मैं विशाल हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं बैठ सकता हूँ? शो, अरुण ने बताया मुझे आपके बारे में। ओह अच्छा। अबे गधे उल्लू के पटे, कहाँ था तू? अरे ओके ओके, पता है आजकल तेरी कितनी चिंता रहती है। ओके मेरी बात सुनो, ये विशाल साहब हैं। कमाल है यार, ऊपर से अरुण, नीचे से अरुण, हर जगह से अरुण है यार। सर, मैं अरुण का बचपन का दोस्त हूँ, जब मैं धोखा खा सकता हूँ तो कोई भी धोखा खा सकता है। ओके सर, मैंने आपको पता नहीं क्या-क्या कह दिया। ओके आई एम सॉरी सर। ओके बाबा, सॉरी सर। अरे बाबा, इट्स ओके। जी जी जी, ओके। अरे ओके जी, मेरा नाम ही ओके सर। ओके, आपने अरुण को मालदार बनाया है, मुझे हवलदार बना दीजिए, मैं अपने आप मालदार बन जाऊंगा सर। देखिए मेरी खासियत ये है कि मैं कुत्तों की जुबान समझ सकता हूँ, उनकी नस नस से वाकिफ हूँ सर मैं। देखा, इस कुत्ते के पेट में तकलीफ है, मुझे बुला रहा है, मैं उसको बोल के बाद में आता हूँ। सर देखिए, आपकी पुलिस फोर्स को कुत्तों की जरूरत पड़ती है, मैं शहर के सारे कुत्तों की मदद आपको दिला सकता हूँ, कोई मुजरिम आपके हाथ से बच नहीं सकता है। सर मेरा कुछ कीजिए ना सर, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके ओके। अरुण आ गया, मैं बुला कर लाता हूं। नहीं इट्स ऑलराइट, मेरा काम है, मैं उसके पास जाऊंगा। अरुण, आप यहां? कल मेरा जन्मदिन है ना, बहुत बड़ी पार्टी है, होनी भी चाहिए, तुम्हें आना होगा। जन्मदिन मेरा नहीं, तुम्हारा मनाया जाएगा। मेरा? मुझे तो पता ही नहीं कि मैं पैदा कब हुआ था। मेरा मतलब तुम्हें थोड़ी देर के लिए फिर से विशाल बनना पड़ेगा। दुश्मनों का ध्यान जन्मदिन की पार्टी पर होगा और मैं कहीं और उनका काम तमाम कर रहा हूँ। कम ऑन अरुण, मेरी खातिर प्लीज। जी ठीक है। अरे आइए आइए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप इनको भी बधाई दीजिए। क्यों? मुझे किस बात की? आजी, भाभी हैं विशाल की माँ और आप इस शहर के बाप। अरे इनके कहने का ये मतलब है कि आज आपके बब्बर शेर का जन्मदिन जो है और जब तक विशाल है तब तक मुजरिम चैन की सांस नहीं ले सकता। चाचा जी की इच्छी फिर शुरू हो गई। देवर जी, लगता है आपकी होने वाली पत्नी आपको याद कर रही है। हाँ, जब मैं कब्र में जाऊंगा तब मिलेगी मुझे। अरे विशाल को बधाई देके आते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारी यह हिचकी मुझे एक दिन फांसी के फंदे पर लटका देगी। मैं तो कहता हूँ एक दिन बॉम्ब लगा के चाचा को उड़ा देते हैं। चुप बेगदे, उसे उड़ा जो फूल ले रहा है। मुझे तो एक दिन इसका मरण दिन मनाना है। अरे विशाल, विशाल जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक। बहुत मुबारक हो विशाल। मुबारक हो विशाल, मुबारक हो। ओह विशाल बेटा। हेलो चाची, हैप्पी बर्थडे। मुझे भी। आज शुभ दिन है, आज के दिन तो माँ को छोड़ दो। तो चल चल, घर वालों से ही बचना पड़ेगा। चल हाय। हाय हाय अंकल। हेलो बेटा। हेलो हाय। हाय हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या बात है, इस तरह क्यों देख रहे हो? इतने दिनों के बाद तुम्हें। इतने दिनों बाद क्या? इतने दिनों के बाद तुम्हें सजते धजते देखा है। बिल्कुल, आज तुम्हारा जन्मदिन जो है, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जन्मदिन बहुत मुबारक हो। आई लव यू। फिर से कहो। आई लव यू। जोर से कहो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू विशाल। तुम भी कुछ कहो ना। मैं क्या कहूं, मेरी आंखों में तो सपना ही सपना है।
और मेरी आंखों में जोगिया जोगिया जोगिया।
क्या हुआ? आज सपना ने कह दिया कि वो मुझसे प्यार करती है। हाँ? मैं विशाल जो बना हुआ था। अरुण बंद करो ये विशाल बनना, ये खेल तुम्हें मार देगा। अरुण नहीं मरता, सपना मरने नहीं देगी अरुण को। क्या करूं, दिल को रोकता हूं तो आंखें भटक जाती हैं, आंखें बंद करता हूं तो ख्वाब भटक जाते हैं, ख्वाबों को तोड़ता हूं तो ये हाथ भटक जाते हैं। पता नहीं पूजा, ये हाथ क्यों भटक जाते हैं? मैं कैसे बताऊं उसे कि मैं बुरा नहीं, बस मैं अपने बस में नहीं। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है इस वक्त? तुम्हें और कौन फोन करेगा? विशाल, 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 मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। सपना, 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 प्लीज यार, कम ऑन यार। देखो मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी इसी वक्त। इसलिए तो तुम्हें फोन किया, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, आ जाओ। क्या? कम ऑन। विशाल, विशाल मैं बहुत अपसेट हूँ तुमसे। आज के दिन नहीं। देखो, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। Not today. I have a surprise for you. Come. विशाल, मैं... विशाल, I'm sorry. Happy birthday. Thank you. सिर्फ इस तरह नहीं, आज से मैंने डिसाइड किया कि मेरे हर बर्थडे पर कैंडल्स तुम ब्लो करोगे और केक हम दोनों मिलके काटेंगे। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट इस जन्म में, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये क्या है? टीवी है डैड, क्या पिक्चर है डैड? विशाल की बर्थडे पार्टी है आज शाम की। ये राणा, जाके दूसरी कैसेट लगा। ये भी विशाल ही है जिसने हमारे सारे गोला बारूद और हथियार उड़ा दिए। एक आदमी एक वक्त पे दो दो जगह कैसे हो सकता है? डैड, वो विशाल नहीं है, भूत है, भूत। चुप करो। लगता है विशाल ने अपना हमशक्ल कहीं से पैदा कर लिया है। इसका मतलब है हमें एक नहीं दो दो विशाल को मारना होगा। यहाँ एक नहीं मरता, अब दो। नो प्रॉब्लम, हम दोनों को बॉम्ब लगाकर उड़ा देंगे। हम दोनों को जब साथ में होंगे तब उड़ाएंगे, ताकि असली विशाल मरे और हमारी आंखों के सामने मरे। डार्लिंग, क्या अगर वायलेंस खत्म हो चुका हो तो रोमांस शुरू करें? नहीं, मैं कसम खाता हूं, जब तक मैं इन दोनों को खत्म नहीं करूंगा मैं रोमांस नहीं करूंगा। गो अवे। दर पे फिर सवाल ही आया है, वो किससे प्यार करती है? यही सवाल लाया है। पहले ये शेर ट्रकों पे पड़ा करते थे, अब ये दिल पे छप चुका है। बताओ पूजा, सपना किससे प्यार करती है? तुमसे। लेकिन मैं साया हूं, सच्चाई नहीं। तुम अरुण हो, सपना के अरुण। तो विशाल का नाम उसकी जुबान पे क्यों रहता है? लड़की अक्सर जमाने से अपना प्यार छुपाया करती है। पर मुझे विश्वास क्यों नहीं होता उसके प्यार पर? अगर वो तुमसे प्यार ना करती तो क्या बर्थडे पार्टी के दिन यूं मदहोश होकर तुम्हारी ताल पर झूम उठती, उसके पैर थिरकने लगते? अरुण, तुम तो उसकी सांसों में रग रग में समाये हुए हो। दिल की बातों को कितनी गहराई से समझती हो तुम। जरूर तुमने भी कभी किसी से प्यार किया होगा। क्या बात है, कहीं जाना है? नहीं, कुछ खाओगी? नहीं, बाद में।
विशाल, एक बोझ है मेरे सीने पर विशाल। बोझ? विशाल, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने एक दूसरे से छुपाई हो। तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ विशाल। जब तुम कोमा में थे, मैं और अरुण एक आइलैंड पर फंस गए थे। दो दिन और दो रात हम वहां पर रहे। नहीं, उसने अपना फासला बनाए रखा। उससे पहले भी वो मुझे ऐसी कई जगहों पर लेके गया था जहां मैं पहले कभी नहीं गई थी। एक अजीब सा जुनून था उसकी आंखों में, उसकी बातों में। उसने कभी मुझे छुआ भी नहीं, उतनी शराफत थी उसमें। लेकिन विशाल, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने को उसने छू लिया विशाल। वो क्या था उसमें मुझे पता नहीं। मैं बस बहती जा रही थी। क्या तुम भी उससे प्यार? शायद, पता नहीं। लेकिन विशाल, मैं तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। इतनी सच्चाई तो हमारे बीच होनी चाहिए ना, कि अगर मैं किसी और को देख भर भी लूं तो तुम्हें बता सकूं। तुम्हारे धोखे में ही सही विशाल, लेकिन कुछ वक्त तो मैंने गुजारा था ना उसके साथ। सपना, मैं अभी आता हूं। विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अब मैं अभी आया। अरुण, उसे पता तो नहीं चला? नहीं, थैंक्स। उसे तो नहीं। यार, इतनी देर पहले कहा था, कुछ ऑर्डर नहीं दिया? विशाल, तुम पर कोई असर नहीं हुआ? मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात कह दी। अब असर हुआ ना, लेकिन क्या है कि सपना, एक बार और रिपीट कर दो ना, इस बार मैं सीरियसली सुनूंगा। नहीं विशाल, एक लड़की के लिए इतनी बड़ी बात दोबारा। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन कमऑन सपना, एक बार और कह दो ना यार। कमऑन गुड़िया। विशाल, विशाल, तुम अभी, ओह नो विशाल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम, ओह शिट, पकड़ा गया यार। मैं लेट हो रहा था और सामने अरुण मिल गया, तुम्हारे गुस्से से बचने के लिए। कम ऑन सपना, अंडरस्टैंड, इट वोंट हैपन अगेन। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हंस भी रहे? हंस क्यों रहे? बात क्या है? समझ गया, सपना ने बोली कि तुझसे प्यार करती है। हाँ शायद, पता नहीं। ए भाई, मैं समझा नहीं। हेलो, ये तू बता रहा है या मेरे उतार रहा है? कयामत!
क्या हुआ? ये आशिकी भी कमाल चीज है, साले अपनी दुनिया में जी जाते हैं। छोड़ा पे क्यों आप? नहीं मैं चली आऊंगी। Sure. I'm sure. Okay. Bye. सपना, सपना, सपना। दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बस देख रहा हूँ, और तमन्ना भी यही है कि देखते देखते जान निकले। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? चले जाओ ये शहर छोड़कर प्लीज। तुम्हें सुकून मिलेगा? हाँ मिलेगा। कमाल है, तुम कहती हो कि चले जाओ और विशाल साहब जाने नहीं देते। करूं तो क्या करूं? जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। मेरा दिल तो यही कहता है कि ये लिफ्ट जिंदगी भर यहीं रुकी रहे और मेरे सिवा ये चेहरा कोई ना देखे। बस मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में। मत करो मेरे साथ ऐसा, लिफ्ट चला दो प्लीज। काफी देर हो गई, शायद अरुण आ गया होगा। विशाल तुम भी ना, तुमने अरुण को क्यों बुलाया? क्या हम अकेले नहीं रह सकते? Come on सपना, उसने हम पर एहसान किया है। वो आ गया, मोटी कर लो। हाय अरुण, कैसे हो? इश्क की चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही, दर्द कम हो या ज्यादा मगर हो तो सही। मैंने तुम्हें ड्रिंक्स के लिए बुलाया और तुम ऑलरेडी पी के आए हो। ये नशा शराब का नहीं विशाल साहब, किसी और चीज का है। इश्क हो गया तुम्हें और मैं जानता हूँ किससे। अच्छा जानते हैं तो बता दीजिए। हम पुलिस वालों की नजरें बहुत तेज होती हैं, हमसे कुछ नहीं छुप सकता। बैठो, कहो तो नाम बता दूं सपना। मुझे क्या पता। उसका नाम है पूजा, इसके घर में रहती है। कहो सही पकड़ा ना? जी बिल्कुल। ए भाई, वो तुझसे प्यार करती है ना, कई मामला एक तरफा तो नहीं, हम दोनों की तरह है ना। विशाल साहब, वो मुझसे प्यार तो करती है मगर मानती नहीं। ओ सपना, ये कैसी लड़की है? सर एक ऐसी लड़की है। ओके कम ऑन लेट्स हैव अ ड्रिंक। बेटा नहीं सर, हम तो विशाल बनकर बहुत जिए, कभी आप अरुण बनकर पीजिए। डन। क्या जुनून है तुम्हारी ताल में, लेकिन लगता है तुम्हारी मोहब्बत में वो जुनून नहीं है, शायद इसलिए। कितनी मोहब्बत किसको कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने दीवाने। प्यार के
दीवाने दीवाने प्यार के दीवाने न माने प्यार के बिन दिल न माने कौन सी मंजिल है ये कौन सा मकाम है आंखों में कोई चेहरा होठों पे कोई नाम है दुनिया में क्या है धोखा ही धोखा मुझको तो बस है तुझ पे भरोसा जुल्फों के साए शमसी बाहें तेरे लिए हैं मेरी वफाएं शम्मा है दीवानी वो न कभी समझेगी क्यों जलते हैं परवाने दीवाने माने प्यार के बिन दिल न माने उसने देखा ही नहीं अपनी हथेली को कभी उसमें धुंधली सी कहीं मेरी भी लकीर तो है आया है मौसम दिल की लगी का आलम न पूछो दीवानगी का ना होश है ना मुझको खबर है ये सब तेरी चाहत का सर है सर्द हवा के झोंके देखो इस रुत में भी मुझे आए हैं जलाने दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने माने प्यार के बिन दिल न माने अरुण तुम ठीक कहते थे दिस प्लेस इज वेरी रोमांटिक ब्यूटिफुल यस सर इस जगह पे कोई एक बार आ जाए तो हमेशा याद रखता है सर आप पूछ रहे थे ना कि मैं किससे प्यार करता हूँ आज मैं आपको बता ही देता हूँ सपना से खेल तो बहुत खेल लिए अब मैं आपको और अंधेरे में नहीं रखना चाहता मैं सपना से बहुत प्यार करता हूँ और सपना मुझसे नहीं सपना विशाल मैं विशाल आज सच बोली दो सपना कब तक छुपाओगी तुम अगर ये सच है सपना तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा और अगर ये झूठ है तो नहीं 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 ये सब सच नहीं हो सकता मैं कोई सपना देख रही हूँ सपना नहीं मैं अरुण से प्यार नहीं करती
Arun, you're right. It's amazing. This place is too good. Cheers. Cheers, sir. तुम सपना को लेके निकलो, मैं इनको रोकता हूं। What's up? An order is an order. Yes, sir. मैं ऊपर से कहावत देता हूं, तुम सपना को लेके निकलो। जिमी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, मुझ पर गोली चला। सब ठीक है, पहले तू मर, फिर तेरा हमशक्ल मरेगा। शूट मी, शूट, रुक, शूट, रुक बलाना, कम ऑन। विशाल साहब, ये आपने क्या किया? मेरी जान के लिए आपने अपनी जान को? कम ऑन, तुम मेरी जान का ख्याल रख सकते हो तो मैं तुम्हारी जान का ख्याल नहीं रख सकता। कम ऑन, लेट्स गो। ये लगा इसे, अब ये बहुत हो गया। मैं तेरी सारी करतूतें बंद कर दूंगी। माँ, तू मेरी बात कुछ को कुछ माँ वाने, मैं पंडित जी को लेकर सपना के घर जा रही हूँ। माँ, ये वक्त शादी करने का नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना है, अब डायरेक्ट शादी होगी, नो मंगनी। वैसे भी तो तेरी शादी होने ही वाली थी ना इस हादसे से पहले। अरुण, तुम ही समझाओ माँ को। अरुण क्या समझाएगा मुझे, मैं तो अरुण को ही लेकर जा रही हूँ सपना के घर। अरुण तू चल मेरे साथ, चल। जी। रिलैक्स भैया, रिलैक्स। तो 6 तारीख को शादी पक्का, शुभ मुहूर्त भी है। चलो, विशाल और सपना को शादी के बंधन में बांध ही देते हैं। यस यस, बहुत इंतजार कर लिया। जी हाँ, कम से कम सपना के बहाने तो ये सुधर जाएगा। आप ठीक कह रही हैं, मैं भी यही चाहती हूँ।
अरुण के बारे में सोच रही हो ना? क्या? जिससे प्यार हो उसका ख्याल तो आता ही है ना हरपल? दीदी यहाँ मैं तो एक हूँ जो तुम्हारे दिल के बारे में सब कुछ जानती हूँ। दीदी तुम अरुण से ही प्यार करती हो, ये शादी करके तुम तीन जिंदगियां खराब मत करो प्लीज। इस सवाल का जवाब तुम्हारा दिल दे चुका है, अगर तुम सुनना ना चाहो तो इस पे तुम्हारे दिल का कोई कसूर नहीं है। विशाल तुम्हारी जिंदगी में प्यार लाया लेकिन अरुण ने तुम्हें प्यार की इंतहा महसूस करवाई है। आप सपना है ना? लेकिन आप कैसे पहचानती हैं? अरुण की आंखों में आपको देखा है मैंने। आप? मैं तो उसकी कुछ भी नहीं। आइए ना, वो तो कब से आपका इंतजार कर रहा है। आइए अरुण, अरुण, चौंक गए ना? अरुण को ना सही मुझे यकीन था, आप जरूर आओगी। चाहते हो कि मैं कबूल करूं कि मुझे तुमसे प्यार है? हाँ है, बस अब तो खुश हो तुम। मेरी सीधी सादी जिंदगी में क्यों आए इतना सारा प्यार लेकर? अब मुझसे नहीं साझा तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूं? मुझे मैं अपनी जिंदगी अपनी जान तुम्हारे हवाले करती हूँ। पहले मैं बह गया था, अब तुम बहक रही हो। पर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, ये मेरा जुनून था, पागलपन था, जो तुम्हें बहकने पे मजबूर कर रहा था। बहुत कमजोर और गिरा हुआ इंसानों में। अरे विशाल से बड़ा दिल तो किसी और का हो ही नहीं सकता जो अपनी जान से बढ़कर किसी और की जान को समझे। मैंने विशाल की आंखें देखी हैं, वो तुमसे कितना प्यार करता है ये देखा है। और मैं तुम्हें उसी से चुराने चला था। चली जाओ सपना, चली जाओ। क्या किया तुमने? प्यार में कुर्बानी देना तुम्हीं से सीखा है।
वापस चले जाएंगे, ये शहर हमारे लिए नहीं। आखिरकार अरुण को पता चल ही गया ना कि तुम उससे प्यार करती हो। अरे सपना के प्यार का पर्दा जो उसकी आंखों में पड़ा हुआ था ना, अरे अरुण को तुम्हारा प्यार कबूल है। मैं तो तुमसे क्यों कहता कि ये शहर छोड़ के हम चले जाएंगे हैं? अरे तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया है पूजा। दीवाने तो बहुत देखे हैं लेकिन ऐसी दीवानगी नहीं। अरे हंसते हंसते ये आंसू? हंस रही हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया और रो रही हूँ उसके लिए। वो सपना की याद को अपने दिल में लिए जिंदगी भर रोता रहेगा। प्रकाश प्रकाश तेरा ये एहसान। हाँ महेश। ये कैसर पुलिस, ये कैसर पुलिस पर कैसे पुलिस। हेलो लेखराज जी। हाँ बोल रहा हूँ। अरे सर जी कमाल हो गया, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। कौन बोल रहा है? देखिए सर क्या है कि आपकी एक वीडियो कैसेट है मेरे पास। क्या सीन है उसमें आपका सर? दरअसल क्या है सर कि आप उसमें किसी का कत्ल कर रहे हैं। और अगर वो वीडियो कैसेट पुलिस के पास पहुंच गया तो दाम बोलो। 1 करोड़ रुपए। दिया। कहाँ मिलना है? सनसेट पॉइंट 11 बजे। आया। आप लोगों को ये बात समझ में आई? What is this? कौन है ये? कौन है ये? सर, कैसे? नंदू तो हमको बेनकाब करेगा। पुलिस में विशाल के सामने गोलियां बहुत महंगी होती जा रही है। ला चाकू ला, ला विशाल के सामने बेनकाब। Let's crack down on these guys. Sir, विशाल? नहीं, उसे कुछ नहीं बताना है। अगर उसे पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर इनके पीछे पड़ेगा। After all, आज उसकी शादी है। बस बस बस, इसे यहाँ रखो। अरे, तू लड्डू लाए बिना आ गया? लड्डू तो आ गया, मैंने रखा दिया। ठीक है। मुझे क्या हुआ? चल, हार लगवा। चल, 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 चल। अरे ये खींचो ऊपर से और वहां से भी। चलो अरे वो हवन की सामग्री आई कि नहीं? अरे वो तो पंडित जी लाएंगे, लेकिन वरमाला का क्या हुआ? मैं भूल गया, मैं भी लाता हूँ। पूजा तुम यहाँ? चलो सपना को सजाओ, आज ऐसी लगनी चाहिए दुल्हन कोई कभी ना लगी हो। अरुण मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। पूजा चलो। अरे तुम दोनों बातें करते रहोगे, शुरू करवा। पंडित जी जल्दी शुरू कीजिए, शुभ मुहूर्त निकला जा। पंडित जी ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध स्वाहा। बबली जी। भैया ये माँ के पास ले जाओ। ये चाचा का है? आज चाचा पार्टी में अपने लिए एक चाची ढूंढने गए हैं। लड़के को बुलाइए। अरुण विशाल को बुला। विशाल को जी। क्या सोच रहे हो डैड? देख रहा जी, पुलिस को आपकी कैसेट मिल चुकी है। क्या बात करते हो? चलो अरुण काम है बेटा इस तरफ। एक्सक्यूज अस प्लीज डैड। मैं तो बोलता हूँ भाग चलो। पुलिस चारों तरफ से घेरा डाल चुकी है। अब मरना ही है तो मार के मरेंगे। डैड नेता है, इस साले की शादी को
बर्बाद ही बना देते हैं। कमान कमान हरी आप। हेलो हेलो विशाल। यस सर। विशाल वो तुम्हारे चाचा ही हैं जिन्होंने शहर में गदर मचा रखा है। जाओ। विशाल तुम्हारी जान को खतरा है। और वो अब तुम्हारी शादी में पहुंच चुके हैं। तुम्हारी सर। होशियार रहना। यस सर। सोच रहे हो? अब तक मैंने अपने जज्बातों को काबू में रखा, लेकिन अब डरता हूं। मेरी एक गलती सपना और विशाल की जिंदगी में आग न लगा दे। लेकिन विशाल और सब तुम्हें यहां लेने आ रहे हैं। चलो। अरुण, 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 स्टॉप। ड्राइवर गाड़ी रोको। क्या समझते हो तुम, मुझ पे एहसान करके भाग जाओगे? बस अब मैं वापस जाना चाहता हूं। तो फिर तुम्हारे बगैर ये शादी तो नहीं हो सकती। विशाल साहब इस बार जोर मत दीजिए। कम ऑन यार, दूल्हे के बगैर शादी कैसे होगी? तुम दोनों को शर्म नहीं आती? दीवाने हो, मुझसे छुपा के रखना चाहते थे अपने दिल का हाल। दर पे सवाल ही आया है, वो किससे प्यार करती है, यही सवाल आया है। ये शायरी तो ट्रकों के पीछे लिखा करते थे, अब ये दिल पर छप चुके हैं। बताओ पूजा, सपना किससे प्यार करती है? यानी कि उस दिन आप थे? ये जब विशाल बन सकता है तो मैं अरुण नहीं बन सकता? शक जब यकीन में बदल गया तो कितने मौके दिए तुम दोनों को मिलने के। लेकिन तुम लोगों का प्रोग्राम कुछ कुर्बानी देने का था। विशाल साहब, मेरा सपना पे कोई हक नहीं है। ओए छाड़ यार, हक की बात करता है। दो रोज पहले तो मेरे सपना के अलावा सबको बता दिया था कि लगन मंडप में तुझे दूल्हा बनाकर अचानक बिठा दूंगा। तूने मेरे सरप्राइज का सत्यानाश कर दिया। विशाल। गुड़िया, मैंने तुम्हें हमेशा गुड़िया समझा। भूल गया था कि गुड़िया का भी दिल होता है, अपने अरमान होते हैं, अपने जज्बात होते हैं। औरत के दिल के अंदर जो झांक कर उसके हर ख्वाब को देख सके, वही उसका असली हकदार होता है। और वो तुम अरुण, पूजा मुझे मत रोको, चले जाने दो। पर पूजा, तो सपना की किस्मत अपनी, पूजा का सफर अपना,
सपना, अरुण का ख्याल रखना। विशाल साहब, एक बात कहूं, किसी दिन हम मिलकर टूटे हुए दिलवालों की एसोसिएशन बनाएंगे, आधी से ज्यादा दुनिया शामिल हो जाएगी। ये चली गई, अब मैं भी जा रहा हूं, मेरा ट्रांसफर हो गया। अरुण, राजा की एक रानी थी, ये कहानी तो सुनी थी, दीवाने की एक दीवानी है, ये आज की कहानी है। ऑल द बेस्ट। कितनी मोहब्बत किसको, कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने। दीवाने प्यार के हैं दीवाने, न माने प्यार के बिन दिल न माने। दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने, दीवाने प्यार के हैं दीवाने, न माने प्यार के बिन दिल न माने। कितनी मोहब्बत किसको, कौन यहाँ करता है ये कोई भी न जाने। दीवाने